दोस्तों वन प्लस ने कल इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन वन प्लस नॉट CE 4 5G को लॉन्च कर दिया था। अब दोस्तों उसके लॉन्च के बाद आप सभी के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है कि अब हमें वन प्लस नॉट CE 4 लेना चाहिए या फिर नथिंग फोन 2A लेना चाहिए। तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन है कि हमें ये दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, सारी कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। दोनों स्मार्टफोन के हम कंपेयर करेंगे और लास्ट में आपको बता दूंगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके 25,000 रुपये कीमती हैं, मेहनत की कमाई के हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपने 25,000 रुपये गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। तो सारी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन को जो है स्पेक्स को कंपेयर कर लेता हूँ। तो चलिए हम डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको एक 120 हर्ट्ज का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो दोनों का डिस्प्ले हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि इक्वल है। अब देखिए हम यहाँ पे नेट पिकिंग करने के लिए तो बैठे नहीं है कि हम सारे को यहाँ पे वन बाई वन कंपेयर करके देखेंगे कि भाई इतना नेट्स का पिक बैठनेस है, उतना नहीं। मतलब एवरेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाँ दोनों का डिस्प्ले जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी में 16 हो जाएगा किसी में 20 होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो 18-19 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे उतना हम उसको इग्नोर करेंगे, मतलब यहाँ पे नेट पिकिंग करने तो बैठे बिल्कुल नहीं है। बस हम आपको बता रहा हूँ ओवरऑल कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर होगा। तो दोनों का डिस्प्ले आप ऑलमोस्ट सेम ही मान सकते हैं। अब देखिए वन प्लस की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं पर नथिंग में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब देखिए रेजोल्यूशन यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे 32 मेगापिक्सल दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है नथिंग का ज्यादा बेटर होगा। तो सेल्फी कैमरा में मैं यहाँ पे नथिंग फोन 2A को विनर बताता हूँ। अब बैक की तरफ बात करें तो यहाँ पे पूरा कहानी चेंज हो जाता है। जो वन प्लस है वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। नथिंग में भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो कि OIS के साथ में आता है, बट दोस्तों सेकेंडरी कैमरा में पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। जो नथिंग फोन 2 है वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, वहीं पे जो वन प्लस है वहां पे आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो इसको भी हमें कंसीडर करना है। बट हाँ, अगर ओवरऑल प्राइमरी कैमरा को ही अगर मैं कंसीडर करूँ तो मैं आपको कहूँगा कि वन प्लस का जो प्राइमरी कैमरा है वो ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 2A। तो हाँ, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको दोनों ही कैमरा बेटर चाहिए, अगर आपको एकदम क्लोज टू रियलिटी रहना है तो आपको नथिंग लेना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत फिल्टर्स वगैरह चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब चाहते हो कि थोड़ा बहुत चमक धमक मतलब सैचुरेटी ये सब करके फोटो दिखाए अच्छे तरीके से दिखाए, तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हो। बट हाँ, फिर वही बात है कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बट अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को पिक करना रहता तो मैं यहाँ पे नथिंग फोन 2A को कैमरा डिपार्टमेंट के लिए पिक करता। खैर यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे पूरा कहानी चेंज हो जाता है। जो वन प्लस नॉट सी पूरा यहाँ पे हमें 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट नथिंग फोन 2 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्लियरली विनर है वन प्लस। अब देखिए यहाँ पे बात ऐसी है कि जो वन प्लस है यहाँ पे हमें 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और चार्जर भी बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, बट नथिंग में जो है 45W का चार्जर देखने को मिलता है। पहला मतलब यहीं पर गिर गया नथिंग, और दूसरी बात यह है कि बॉक्स के अंदर चार्जर ही देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक डाउनग्रेड है नथिंग फोन 2A में, मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा डाउनग्रेड पॉइंट है। और अगर आप अलग से चार्जर खरीदने जाते हो नथिंग फोन 2A का 45W वाला, तो आपको देखने को मिलता है 3000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 3000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे नथिंग के चार्जर के लिए। खैर आप यहाँ पे हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए वन प्लस में आपको देखने को मिलता है Snapdragon 7 Gen 3, वहीं पे जो नथिंग है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है Dimensity 7200 Pro। तो यहाँ पे Snapdragon 7 Gen 3 जो है क्लियर विनर निकल कर आता है, वो ज़्यादा बेटर चिपसेट है। बट हाँ, दोनों में ही आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाता है, एंड दोनों सिमिलर ही है, एंड दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, किसी में भी 3.5 mm जैक नहीं है। बट वन प्लस में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप दो सिम के साथ साथ एक SD कार्ड भी लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। बट नथिंग फोन 2 में आपको सिर्फ डुअल सिम देखने को मिलता है, SD कार्ड लगाने का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। बट देखिए वन प्लस में जो है आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट नथिंग फोन 2A में आपको NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगेन ये विनर निकल कर आ जाता है नथिंग फोन 2A। दोनों में ही आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, दोनों ही स्मार्टफोन जो है एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। बट दोस्तों यहाँ पे अपडेट की बात करें तो जो वन प्लस है वहाँ पे आपको 2+3 का अपडेट देखने को मिलता है, वहीं पे जो नथिंग फोन 2 है वहाँ पे आपको 3+4 का अपडेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नथिंग फोन में हमें 1 साल का ज़्यादा अपडेट देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगेन नथिंग फोन जो है विनर निकल कर आता है। बहुत सारे मामला में वन प्लस
प्लस भी नड़ा है, बहुत सारे मामला में नथिंग फोन 2A भी नड़ा है। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ प्राइसिंग को एक बार कंपेयर करके देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए दोनों का ही जो बेस्ट वेरियंट है 8+128 है, जहाँ पे वन प्लस की प्राइसिंग है 25,000 रुपये, वहीं पर नथिंग फोन 2A की प्राइसिंग 1,000 कम है, मतलब 24,000 रुपये। 8+256 के लिए है वन प्लस की 27,000 रुपये और नथिंग की 26,000 रुपये। बट दोस्तों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, जो वन प्लस है उसके ऊपर आपको 1,500 रुपये का बैंक का डिस्काउंट देखने को मिलता है, बट जो नथिंग है वहाँ पे जब ये लॉन्च हुआ था तो 2,000 का हमें बैंक डिस्काउंट देखने को मिला था। बट अभी मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक करा, वहाँ पे 2,000 का डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफर्स अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे वन प्लस का प्राइसिंग है वो चला जाता है 23,500 रुपये, मतलब 23,500 रुपये, और यहीं पे जो है नथिंग फोन का प्राइसिंग चलाता है 23,000 रुपये 1,000 ऑफ करने का नथिंग फोन के ऊपर। बट दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप नथिंग फोन 2A परचेज करते हो तो आपको 3,000 का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और चार्जर के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। हम बैंक ऑफर सब चीज़ हटा देते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ प्राइसिंग बन जाती है वन प्लस की 25,000 रुपये और यहाँ पे नथिंग फोन 2A की प्राइसिंग बन जाती है 27,000 रुपीज़। 24 मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, 27,000 काउंट करूँगा, क्योंकि 3,000 रुपये इसमें चार्जर के भी मुझे ऐड करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्लियर विनर निकल जाता है प्राइसिंग डिपार्टमेंट में भी कि वन प्लस जो है प्राइसिंग उसकी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे चार्जर देखने को मिलता है। और आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो 1,000 का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि हमें काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ भैया चलो 1,000 का है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो देखो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी रहना है, आपको ग्लिफ इंटरफेस वगैरह चाहिए, आपको थोड़ा बहुत अलग दिखने वाला फ़ोन चाहिए, तो आप नथिंग फोन 2A की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे कि हाँ भैया ब्रांड वैल्यू भी अच्छा खासा होना चाहिए, मुझे कैमरा भी ठीक ठाक चाहिए अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले भी ठीक ठाक अच्छा होना चाहिए, मतलब हर चीज़ में अगर आप अच्छा खासा स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, तो मैं आपको बोलूँगा वन प्लस नॉट CE4 चूज करने के लिए। अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं भी वन प्लस नॉट CE4 चूज करता, और बहुत सारे मामला में वन प्लस जो है क्लियरली बीट कर देता है नथिंग फोन 2A को। तो मैं आपकी जगह पर तो मैं क्लियर पिक करता वन प्लस फोन, नथिंग को मैं पिक नहीं करता। बट हाँ जिनको मैं अगेन बोलता हूँ थोड़ा अलग दिखने वाला फोन चाहिए, थोड़ा क्लोज टू रियलिटी चाहिए, मतलब फोन वगैरह कोई फिल्टर वगैरह उतना कुछ नहीं है नथिंग फोन 2A में, तो आप उस तरफ देख सकते हो। बट हाँ अगेन ओवरऑल बेस्ट है वन प्लस नॉट CE4 5G, तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हो। देखो नथिंग फोन 2A भी कोई बुरा नहीं है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बट मैं पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पे वन प्लस नॉट CE4 5G को देना चाहूँगा। और वन प्लस जो है विनर भी यहाँ पे निकल जाता है, बहुत सारे मामला में वन प्लस जो है जीत जाता है। तो बस यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था वन प्लस नॉट CE4 5G वर्सेज नथिंग फोन 2A से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।